दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट शुरू कर दिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। ओके और फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज पूरे हमने ले लिए पिछले वीडियो में, कल ही जो अपलोड हुआ था। आज दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, तो फटाफट ये कवर करेंगे अच्छे से, तो आपको समझ में भी आएगा और प्रॉब्लम सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 203 और 204 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और ऑलरेडी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो लाइक भी कर लेना और अच्छे से अपने नोट्स भी बना लेना। और कुछ भी डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके, दिल खोल कर कमेंट कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इजी है। कंप्लीट अ फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशन दी गई है 2x - 6y = 3 और यहाँ पर कुछ टेबल है, तो हम इसको अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको नोटबुक पर सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले और वहाँ पर वैल्यू को भी फिलअप करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ यहाँ पर। ओके, टेबल को भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं आपको अच्छे से रेफरेंस के लिए। एक्चुअली पहले ड्रॉ करने वाली बात थी है, पर कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स वाई और ये एक्स कॉमा वाई -5 इधर बॉक्स है और यहाँ पर भी अपने को वैल्यू फिलअप करनी है, यहाँ पर भी बॉक्स से 0 है और यहाँ पर भी बॉक्स है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस क्या है अपने पास, इक्वेशन पहले ले लेंगे हम लोग। तो इक्वेशन क्या है, चलो मैं यहाँ पर नंबर डाल के सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन अपने पास 2x - 6y = 3। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर x की वैल्यू -5 है, तो y की वैल्यू कैसे आएंगी, हम x की जगह पे -5 को यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम इसको शुरू करेंगे, 2 - -5 - 6y = 3। ओके, -5 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे इस तरह से, तो ये 2 × 5 = 10 हो जाएगा, -10 - 6y = 3 ले लो इसको। ओके, सो देयरफॉर -6y को आप बाहर ले लेंगे, = 3 लिखेंगे। अब ये -10 को आप शिफ्ट करेंगे इक्वल टू किधर, तो ये +10 हो जाएगा। ठीक है ना, सो -6y = 10 + 3 + 10 = 13 हो रहा है। सो देयरफॉर आप y को बाहर ले लो, 13 लिखो, y के साथ में जो वैल्यू नीचे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, सो देयरफॉर y का आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन को हम बीच में ले लेंगे और इस तरह से ये फाइनल आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, तो अपने बॉक्स में क्या आएगा यहाँ पर, -13/6। ठीक है ना, सिंपल है। तो आप यहाँ पर -5 लिख लो, कॉमा डाल के -13/6 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके लिए फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नंबर 2 दे देता हूँ। चलो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x - 6y = 3। अब यहाँ पर y की जगह पे हमको 0 पुट करना है, तो 2x वैसे ही रहेगा, -6 × 0, y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की वैल्यू को 0 को, और यहाँ पर 3 लिख देंगे। सो यहाँ पर 2x लिखेंगे, -6 × 0 = 3। थोड़ा सिस्टमेटिक ले लेते हैं इनको, सो 2x = 3 लिख लेंगे, -0 को शिफ्ट करेंगे, ये +0 हो जाएगा। सो देयरफॉर 2x = 3 + 0 = 3। x को हम बाहर ले लेंगे, तो 3x के साथ में जो वैल्यू है यहाँ पर नीचे चले जाएंगी, तो अपने को x का आंसर आ गया 3/2। यहाँ पर लिख दो 3/2 बॉक्स में और इस तरह से 3/2, 0, इस तरह से ये आंसर अपना हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए अपने पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ऑलरेडी अपने 1.1 प्रैक्टिस सेट में देख चुके दोस्तों। अगर आप नहीं देखे तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आप देखेंगे तो उसका आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन करे। और चलो यहाँ पर भी ले लेते हम, तो ग्राफिकल मेथड में क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन के 3-3 पॉसिबल वैल्यू निकालनी होंगी और फिर वही पॉसिबल वैल्यू को कोऑर्डिनेट पॉइंट को हमको ग्राफ पे पुट करके अपने को एक्स और वाई का आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चले इक्वेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब लिख के रखा हूँ दोस्तों, तो अपना टाइम भी बचेगा। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन लिख लूँगा, इस तरह से आपको टेबल भी बनाना है एग्जाम्स में, 2x + 3y = 12। ये इक्वेशन को मैंने नीचे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू पुट करना है तो y का आंसर आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर y के साथ में भी वैल्यू है, यानी कि y के साथ में अगर कोई वैल्यू हो तो वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएंगी और वो 3 के टेबल में कट होना। ओके,
तो इस तरह से अपने को करना है। तो अब देखो यहाँ पर अपन ओरली पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पे आप 0, 1, 2, 3 रखो, -1, -2, -3 कोई भी पॉसिबल वैल्यू x की आप एज्यूम करो, y का आंसर जो भी आएगा और वो वैल्यू को हम कोऑर्डिनेट पॉइंट में पुट करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर मैं 0 अगर पुट करूँगा तो 2 0 0 हो जाएगा दोस्तों, और 0 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो माइनस हो जाएगा, 12 - 0 12 ही होता है, और 3 के टेबल में यहाँ पर 12 आते हैं। ओके, तो 3 4 12, तो हम 0 रख सकते हैं यहाँ पर x की जगह पे। तो मैं यहाँ पर 0 पुट कर लेता हूँ तो 2 * ये 0 हो जाएगा x की जगह पे, और ये 3y वैसे ही रहेगा, और ये 12 लिख लेंगे हम लोग। 2 0 + 0 + 3y = हम इसको 12 ले लेंगे। सो देयरफॉर देखो ये 3y = 12 लिखो, प्लस 0 को शिफ्ट करो, -0 हो जाएगा। सो 3y = 12 - 0 = 12। हमेशा आपको ऐसे ही करना है दोस्तों, तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। y लिखेंगे, 12 लिखेंगे, y के साथ में जो वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में जाती है ये, और ये 3 4 12 हो जाएगा। तो देयरफॉर y का आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 4। तो देखिए दोस्तों पहला आंसर अपने को मिल गया, हमने x की जगह पे 0 पुट करे, y का आंसर आया 4। अब यहाँ पर लिख देंगे 0, 4। ठीक है, चलो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर से हम इक्वेशन को लिख लेंगे। सो 2x + 3y = 12। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर 1 पुट करूँगा x की जगह पे, देखो 2 1 2, और ये 2 को मैं यहाँ पर लेके गया तो -2 हो जाएगा, 12 - 10, तो 10 के टेबल में 3 के टेबल में 10 नहीं आते। ओके, अब हम 2 पुट करके देखते हैं तो 2 * 4, और 4 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँगा, +4 को -4 हो जाएगा। सो 12 - 4 = 8, और 3 के टेबल में 8 नहीं आते। अगर मैं 3 पुट करता हूँ दोस्तों तो 2 3 = 6, +6 को शिफ्ट करेंगे, -6 हो जाएगा। सो 12 - 6 = 6 होता, 3 के टेबल में 6 आते। तो हम 3 पुट कर सकते हैं, यानी कि 3 एज्यूम कर सकते हैं x की जगह पे। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2 * 3, ओके, और ये 3y वैसे ही रहेगा = 12। सो ये 2 3 = 6 हो जाएगा, +3y = 12 लिख लो आप। सो देयरफॉर 3y = 12, +6 को शिफ्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये -6 हो जाएगा। सो देयरफॉर 3y = ये 6 हो जाएगा, और देयरफॉर y की वैल्यू को आप बाहर ले लो, 6/3 लिख दो, तो 3 2 = 6 हो गया। देखिए y का आंसर आ गया अपना 2 आ गया, तो ये सेकंड बॉक्स भी अपना फिलअप हो गया। 3 एज्यूम करें, आंसर आया 2, तो आप यहाँ पर 2 लिख लो, और 3, 2 यहाँ पर ले लेंगे हम। ओके, अब थर्ड वाले के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे, 2x + 3y = 12। चलो हमने 3 एज्यूम कर लिए, अब 4 एज्यूम करके देखते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर 4 एज्यूम करता हूँ, देखिए 2 4 = 8, तो 8 को मैं शिफ्ट करूँगा, -8 हो जाएगा, 12 - 8 = 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आ रहे। 5 एज्यूम करूँगा, 2 5 = 10, तो 2 बचेगा, ये भी नहीं आ रहे। अगर मैं दोस्तों 6 एज्यूम करता हूँ, देखिए अगर मैं 2 6 = 12 होगा, +12 को शिफ्ट करेंगे, -12 हो जाएगा, 12 - 12 = 0 होता, और तो 0 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6, ओके, और यहाँ लिखेंगे 2 6 + 3y = 12, तो 2 6 = 12 हो जाएगा ये, +3y = 12। सो देयरफॉर आप 3y को ले लो, क्योंकि प्लस है तो +3y ले लिया हमने, = 12 लिखे, +12 को शिफ्ट करेंगे तो ये -12 हो जाएगा। सो 3y = 12 - 12 = 0, सो देयरफॉर आप y को बाहर ले लो, 0/3 लिखो इसको। सो देयरफॉर y का आंसर भी क्या आएगा, 0/3 = 0। तो देखिए हमने x की जगह पे हमने 6 पुट करे, y का आंसर आया 0, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, 6, 0। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग। ये तो बहुत ईजी दोस्तों, देखिए यहाँ पर x है और y के साथ में कोई वैल्यू नहीं है। आप x की जगह पे 1 2 3 एज्यूम कर लो, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर x की जगह पे 1 2 3 एज्यूम कर सकते हैं, ओके, क्योंकि y का आंसर आपका 9 और 10 के अंदर ही आना दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आंसर आएगा तो हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे बराबर से वैल्यू। तो ठीक है, ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो हम इसको लिख लेते हैं, -y = 1, x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, सो 1 - y = 1, देखो -y ले लो, = 1 लिखो, +1 को शिफ्ट करेंगे, -1, सो -y = y - y = 0, ओके, सो देयरफॉर y का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। यानी कि x की जगह पे हमने 1 अज्यूम करे और y का आंसर भी क्या आया यहाँ पर, 0 आया। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 0, और यहाँ लिख लेंगे 1, 0। देखिए कितना सिंपल ही है, ओके, अब हम क्या करेंगे, चलो सेकंड इक्वेशन के लिए x - y = 1, ओके, अब x की जगह पे 2 एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, सो 2 - y = 1, सो देयरफॉर -y = 1 लिखेंगे, +2 को शिफ्ट करेंगे, -2, सो देयरफॉर -y = -1। देखो स्मॉल नंबर बिगर नंबर,
और ये माइनस माइनस साइन दोनों तरफ से कट कर दो आप, तो y का आंसर आएगा इधर 1, तो ये 0 आया, इस तरह से हम हाईलाइट कर लेंगे इधर, ओके, और ये यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिख लो आप, और ये 2,1। अब x की जगह पे हम 3 एज्यूम कर रहे हैं, दोस्तों आप 4 एज्यूम कर सकते हैं, 5, माइनस 1, माइनस 2, 0, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की जगह पे हम 3 एज्यूम कर रहे हैं, सो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो देयर फोर माइनस वाई इज इक्वल टू 1, प्लस 3 को शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पर, माइनस 3 हो जाएगा, सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ओके, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, ऑन बोथ द साइड माइनस माइनस गेट कैंसल, और y का आंसर आएगा यहाँ पर 2, ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, और ये भी आ गया 2, और यह हो जाएगा 3,2। अब ये जो आंसर मिला हमें दोस्तों, दोनों इक्वेशन के तीन तीन कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्राफ ऑलरेडी बना चुका, आप देख रहे साइड में इधर, ओके, थोड़ा लाइव आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा दोस्तों। आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपको ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर 9 तक गया, तो मैंने भी यहाँ पर 9 तक ले लिया, और आपको स्केल भी लिखना है, भूलना नहीं है, ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिख लेना आपको, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी, फर्स्ट इक्वेशन का पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है यहाँ पर, 0,4, तो 0 यानी कि पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है, दूसरी वैल्यू किसकी होती है, वाई एक्सिस की होती है, तो 0,4, तो सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस की है 0,4, तो ये पहला आंसर अपना इधर आएगा। मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 0,4। देखो ये पहला हमने प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 3,2, आप देख रहे 3,2 है ये, तो 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, यानी कि 3 एक्स एक्सिस है और 2 यहाँ पर भी वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, हाईलाइट कर देंगे इसको, और 3,2, ये सेकंड आंसर भी अपना प्लॉट कर दिया हमने। अब यहाँ पर 6,0 है, 6 यानी कि एक्स एक्सिस है वो, ओके, तो पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की है, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस की 0 है, तो 6,0, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 6,0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये तीनों पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ओके, इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन का हम आंसर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको अच्छे से, इसको अच्छे से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इंटरसेक्ट कर लेंगे इसको दोनों एक्सिस पे, ओके, और इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। चलो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए 1,0 है, तो 1 यानी कि एक्स एक्सिस की है और 0 क्या है, वाई एक्सिस के लिए, तो 1,0, तो इस तरह से यहाँ पर y एक्सिस के लिए आएगा अपने पास, ओके, एक्स एक्सिस पे इधर 1,0, ठीक है, तो ये आंसर भी हो गया अपना, ओके, और सेकंड क्या है 2,1, तो 2 क्या है x एक्सिस है और 1 यहाँ पर देखिए y एक्सिस है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा सेकंड आंसर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,1, ओके, और ये क्या है यहाँ पर 1,0, ओके, ये दोनों मिल गए आंसर हमें। और थर्ड वाला क्या था, 3,2, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी पॉसिबल वैल्यू में निकाल चुके 3,2, तो 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो ये ऑलरेडी हमने पहले वाले प्लॉट में कर चुके हैं इसको, तो ये थर्ड वाला भी मिल गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ओके, तो यहाँ पर मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ, दोनों को इंटरसेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और अब आप देखेंगे दोस्तों जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से आपको एक्स एक्सिस पर ज्वाइन कर लेना है यहाँ पर नीचे, और यहाँ से आपको y एक्सिस पे ज्वाइन कर लेना है। तो आपका आंसर x का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, और y का आंसर यहाँ पर 2 आ गया, यानी कि 3,2 इज़ अवर फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पर नीचे आंसर में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आंसर में, इस तरह से हम लिख लेंगे, सो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह से आप लिख दो दोस्तों, और थोड़ा इसको अगर प्रेजेंटेशन वाइज और इसको करना है तो देखिए, ये फर्स्ट जो तीन आंसर थे हमारे, ये इक्वेशन के थे दोस्तों, कौन से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 ये, और ये जो सेकेंड हमने प्लॉट करे थे वो x माइनस y इक्वल टू 1, ये उसकी इक्वेशन थी। तो देखो थोड़ा सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन वाइज हमने एकदम अच्छे से कर लिए, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, और मोस्ट लाइकली दोस्तों ये बोर्ड के एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही चाहिए, ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम सेकंड पे जाते हैं अभी, ओके, तो सेकंड पे भी ले लेते हमने ऑलरेडी, इसको देखो अच्छे से हमने क्वेश्चन को भी लिख के रखे हैं यहाँ पर आपके लिए, ताकि हम फटाफट इसको कर सके और आपको अच्छे से समझ में भी आए।
ठीक है। अब देख रहे हैं दोस्तों ये इक्वेशन बनी हुई है, ये इक्वेशन बनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैं नीचे ले लेता हूँ, x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, और ये इक्वेशन को हम सही कर लेंगे, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू लिखेंगे तो प्लस फोर क्या हो जाएगा, माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहली इक्वेशन को नीचे ले लेंगे यहाँ पर, ये पहले बॉक्स के लिए, क्योंकि इनके हमको तीन पॉसिबल वैल्यू निकालना है, तो इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूँ। चलिए वन टू थ्री एज्यूम करो आप, क्योंकि वाई के साथ में थ्री है, क्योंकि थ्री क्या होना, फिर ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये पूरी तरह से ये डिवाइड होना, ओके। तो अगर हम वन एज्यूम करते हैं यहाँ पर, तो वन माइनस वन यानी कि जीरो हो रहा है, थ्री के टेबल में जीरो नहीं आ रहे, ठीक है। और अगर आप फिर टू रखेंगे तो माइनस वन, थ्री के टेबल में वन नहीं आ रहे, ओके। फिर थ्री रखेंगे माइनस टू आएगा बेटा, तो ये थ्री के टेबल में माइनस टू भी नहीं आ रहा। अगर फोर रखेंगे, देखिए फोर, तो प्लस फोर को शिफ्ट करूँगा तो माइनस फोर हो जाएगा, वन माइनस फोर इज माइनस थ्री, देखो थ्री के टेबल में थ्री आ रहे, तो हम यहाँ पर फोर एज्यूम कर सकते हैं, पहला पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे फोर एज्यूम कर लूँगा, माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, देखो ओरली भी हम डिस्कस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस थ्री वाई को आप नीचे ले लो, इक्वल टू वन लिखो, प्लस फोर को शिफ्ट करेंगे ये माइनस फोर हो जाएगा, सो माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ये माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसिल, दोनों तरफ से वाई को ले लो, वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन ये थ्री हो जाएगा, सो थ्री वन सा थ्री, सो देयर फोर वाई का आंसर आ जाएगा अपना वन, तो ये पहला आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर भी लिख लो आप 4, 1, ठीक है। अब सेकंड के लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे सबसे पहले, ओके। अब क्या करेंगे हम, देखिए अगर मैं 4, अब 5 रखूँगा, 6 रखूँगा, 7 रखूँगा तो होगा नहीं दोस्तों, अब अपने को माइनस में जाना है, ओके। तो अगर मैं माइनस वन यहाँ पर रखता हूँ तो माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के टेबल में 3 के टेबल में 2 नहीं आ रहे। अगर मैं माइनस 2 रखता हूँ तो होता है बेटा, देखो अगर मैं यहाँ पर माइनस 2 एज्यूम करता हूँ, यानी कि माइनस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सो देयर फोर माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा ये, ओके। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो रही है, सो देयर फोर y को हम ले लेंगे यहाँ पर, सो 3 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 3, सो 3 वन सा 3, सो देयर फोर y का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हाईलाइट भी कर लेंगे और यहाँ पर माइनस 1 भी लिख देंगे, सो माइनस 2 कॉमा माइनस 1 थर्ड क्वाड्रेंट में ये हम प्लॉट कर देंगे इसको, ठीक है। चलो वन मोर इज देयर, इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ओके। अगर मैं अब 3 रखूँगा तो 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, 4 रखूँगा तो नहीं आएगा, अगर मैं माइनस 5 रखूँगा तो प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये, ओके 6 हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 आते हैं, तो हम यहाँ पर 5 माइनस 5 एज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सो देयर फोर माइनस 3y इक्वल टू 1, माइनस 5 को शिफ्ट करेंगे प्लस 5 हो जाएगा ये, माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ओके 1 प्लस 5, फिर y को आप बाहर ले लो, 6 लिखो, y के साथ में जो भी वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में जाएंगी और ये 3 टू ज़ा 6 हो जाएगा, सो देयर फोर y का आंसर आ जाएगा, ये माइनस साइन भी लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा माइनस 2, ओके। तो इस तरह से ये भी आंसर आ गया अपना माइनस 2, सो माइनस 5 कॉमा माइनस 2, ओके। अब ये इक्वेशन पे जाते हैं हम लोग, तो ये इक्वेशन को हम नीचे ले लेंगे। सबसे पहले क्या मिली हमें इक्वेशन, ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। चलिए अब हम यहाँ पर देखो क्या कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, 0 भी एज्यूम कर सकते हैं, चलो मैं x की जगह पे 0 एज्यूम कर लेता हूँ, सो 3 इंटू 0 माइनस 2y, क्यों 0 एज्यूम करा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आ रहे, ओके, सो इज इक्वल टू माइनस 4, 3 0 ज़ा 0, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, सॉरी, सो देयरफॉर आप करेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, प्लस 0 को शिफ्ट करो दोस्तों, यहाँ पर ये माइनस 0 हो रहा है, सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 0 इज 4, सो दोनों तरफ से ये प्लस साइन को हम कट कर लेंगे, सो y को बाहर ले लेंगे, 4 अपॉन 2 लिख लेंगे, 2 टू ज़ा ये 4 आ गया, पहला आंसर आ गया आपका y इक्वल टू 2, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल है, कितना इजी है, बस ध्यान से करना है दोस्तों आपको, बहुत इजी है ये, इजीली आप 3 से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए, पॉसिबल वैल्यू के लिए जाते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पर, ओके 0 एज्यूम करें, अगर मैं यहाँ पर 1 एज्यूम करता हूँ, चलो तो 3 वन 3 प्लस 3 को शिफ्ट करूँगा माइनस 3, तो माइनस 7, 2 के टेबल में 7 नहीं आते। अगर मैं 2 एज्यूम करूँगा, 3 टू 6 तो 10 हो रही है, तो 2 के टेबल में 10 आ रहे, तो आप 2 एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, चलो 2 तो हम ले लेंगे यहाँ पर, 3 इंटू माइनस 2, एक्स की जगह पे पुट करा मैंने ये, और माइनस 2y, और यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस 4, 3 टू द 6 तो माइनस 6, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, सो देयरफॉर माइनस 2y
इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस सिक्स को शिफ्ट करेंगे हम तो प्लस सिक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। सो माइनस टू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर टू आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो सिक्स माइनस फोर इज टू बचा, बड़े वैल्यू के साथ में कौन सी साइन है, प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस टू लिख लिए, ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब वाई को बाहर ले लो आप, टू अपॉन माइनस टू लिखो, तो ये टू वन ज़ा टू हो जाएगा, वाई का आंसर आ जाएगा आपका माइनस वन। तो देखिए आपने एक्स की जगह पे यहाँ पर माइनस टू एज्यूम करे, ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस टू, और वाई का आंसर आया माइनस वन, सो माइनस टू कॉमा माइनस वन, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब हम अगर अब देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस टू को तो देखिए अगर आप टू भी एज्यूम करेंगे ना तो भी अपना आंसर आता है टू सिक्स ज़ा है ना, टू थ्री टू ज़ा सिक्स। चलो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पर नीचे, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अगर मैं यहाँ पर टू एज्यूम करता हूँ तो टू एज्यूम भी करेंगे तो भी अपना आंसर आएगा कैसे, थ्री इंटू टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, वैसे का वैसे ही रहेगा, थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। यहाँ ध्यान देना दोस्तों जब आप ये टू वाई को नीचे लेंगे तो माइनस साइन को भी आपको नीचे लेना है, माइनस फोर लिखेंगे प्लस सिक्स को शिफ्ट करो, माइनस सिक्स हो जाएगा ये, सो माइनस टू वाई इज इक्वल टू ये माइनस टेन, माइनस माइनस प्लस वैल्यू को ऐड करेंगे, साइन माइनस की लगाएंगे, दोनों तरफ से माइनस को कट कर दो, सो वाई इज इक्वल टू टेन अपॉन ये टू लिख दो, टू फाइव का क्या हो रहा है ये टेन हो रहा है, और वाई का आंसर आ गया यहाँ पर फाइव। तो देखो ये भी पॉसिबल वैल्यू अपनी कंप्लीट हो गई, ओके, हम यहाँ पर लिख देंगे फाइव और ये हो जाएगा टू कॉमा फाइव। अब ये दोनों पॉसिबल वैल्यू के दोनों इक्वेशन की हम यहाँ पर पुट करेंगे, फोर कॉमा वन, देखिए दोस्तों फोर कॉमा वन कहाँ पर आ रहा है, एक्स की वैल्यू फोर है और वाई की वैल्यू वन है, तो बिल्कुल फोर और वन के सामने हम यहाँ पर लिख देंगे फोर कॉमा वन, ठीक है ना, ओके। फिर नेक्स्ट अपनी पॉसिबल वैल्यू मिली अपने को माइनस टू और माइनस वन, तो आप देख रहे माइनस टू यहाँ पर है और माइनस वन यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस तरह से माइनस टू और माइनस वन, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा ये वैल्यू, और फिर ये है माइनस फाइव और माइनस टू। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये माइनस फाइव इधर है और ये माइनस टू इधर है, तो इस तरह से मैं ये इसको भी लिख लूँगा माइनस फाइव, ओके, और ये माइनस टू। चलिए अब ये तीनों को कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे स्केल से और इनको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए अच्छे से करेंगे दोस्तों इसको, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, नहीं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से मैं लाइन को और एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, इस तरह से आप इसको एरो दे दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की अपनी प्लॉट हो गई, इक्वेशन का नाम क्या था, x माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन, तो मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा x माइनस थ्री वाई इक्वल टू वन। चलिए अब ये सेकंड इक्वेशन जो है हमारी, इसका क्या है, जीरो कॉमा टू, तो जीरो कॉमा टू कहाँ आ रहा है, जीरो x की वैल्यू है और टू y की वैल्यू, और टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपना पहला आ रहा पॉइंट, तो जीरो कॉमा टू आप इधर लिख दो, ओके। फिर सेकेंड है अपना माइनस टू माइनस वन, तो बिल्कुल माइनस टू माइनस वन इधर ही आ रहा है, ओके, ये पॉइंट, तो माइनस टू माइनस वन ये अपना नेक्स्ट आ गया। और फिर बाद में टू कॉमा फाइव, आप देखेंगे दोस्तों टू यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है और यहाँ पर फाइव है, ओके, तो आप इधर लिख दो फाइव, इधर सॉरी यहाँ पर लिख देंगे टू कॉमा फाइव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है। चलो अब मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है, तो हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे हम अच्छे से और इस तरह से इसको इंटरसेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इनको ज्वाइन कर लूँगा और वो इक्वेशन का नाम क्या था वो भी लिख लूँगा, जो मेन इक्वेशन है अपनी वही लिखेंगे ऊपर, थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। चले अब आंसर निकालना है अपने को, कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वैल्यू को हम एक्स पे ज्वाइन करेंगे और ये वैल्यू को हम वाई पे ज्वाइन करेंगे, तो माइनस टू कॉमा माइनस वन, तो हम आंसर में लिख देंगे इधर, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ओके, तो ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही, तो हम लिख देंगे आर द सोल्यूशन ऑफ द, आर द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन या ऑफ द इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, देखिए अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनको अच्छे से समझो, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट में आएंगे तो हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस तरह से ये अपना थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, और समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दिल खोल के कमेंट भी करो कुछ भी डाउट है तो. ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, विल मीट एज सून एज पॉसिबल इन द नेक्स्ट वीडियोस. सो बाय फॉर नाउ.